तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ एक न्यू गेम जिसका नाम है लॉकी क्राफ्ट। और ये मेरे को एलेक्स कहाँ से मिल गया है करेक्टर, और ये इसकी नाक पे, अबे यार ये एम इसकी नाक पे लग गया, तो कोई बात नहीं। वैसे मेरे को इस गेम के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है, तो मेरे को इस गेम को खेलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से चलते गेम के अंदर। हाँ, तो अभी मैं जगह ढूंढता हूँ कुछ अपना बेस वगैरह बनाने के लिए, जगह ढूंढता हूँ। तो उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर दो, बाकी तुम्हारा भाई गेम में प्रोफेशनल तो है ही। तो अभी ये मैं वुड तोड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे काम आएगी ये भी, तो मैंने इकट्ठा कर ली, 3 ले ली, क्योंकि मैं इससे क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाला हूँ और क्राफ्टिंग टेबल से फिर अपने टूल्स बनाने वाला हूँ। तो मैं जगह देख लेता हूँ, पहले मेरे को एक अच्छी सी जगह मिल जाए, टॉप से चढ़ के देखता हूँ। वैसे इधर डेजर्ट है, और ये सामने क्या, ये ज़रा सा पेड़, मैं उधर की तरफ चलता हूँ, उधर की तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लेन है थोड़ा, वो क्या नाम है, पानी से भी थोड़ा दूर ही रखेंगे क्योंकि मतलब थोड़ा जाने आने में मेहनत तो चाहिए हमें। तो पहले मैं उधर चल के देखता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, देखो क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वैसे ये जगह अच्छी है, इस जगह सामने ये इन्फिनाइट वाटर का वो बना हुआ सोर्स, मेरे को भाई सब पता है क्योंकि मैंने इस गेम को काफ़ी खेला है पहले। वैसे मैंने वीडियोस तो नहीं डाली, जब मैं वीडियोस नहीं डालता था तो इस गेम को खेलता था, क्योंकि माइनक्राफ्ट तो मेरे पास था नहीं, तो मैं इसी गेम को खेलता था। वैसे माइनक्राफ्ट भी खेला है मैंने। 2000 years later. तो अभी मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली और उससे मैंने टूल्स भी बना लिए जो मेरे पास था। तो मैं इधर से ये डर्ट हटा देता हूँ। तो डर्ट हटा के क्या करूँगा, मैं इधर से एक वो निकालता हूँ, अपना सोर्स निकालता हूँ स्टोन्स का। तो इधर से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ ये सब स्टोन्स वगैरह, इनसे मैं अपने स्टोन के टूल बनाऊंगा, क्योंकि वुडन टूल्स ज़्यादा वैसे भी होते हैं, इनसे धीरे धीरे टूटते हैं। तो मेरा आज का टारगेट है कि मेरे को अपना बेस बनाना है, और रात होने से पहले मेरे को बेड भी बनाना पड़ेगा। बेड से पहले तो पहले मैं ये कोल भाई, देखो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को कोल मिल गया। मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं माइनिंग करते जा रहा बातों में, क्योंकि देखो बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ तो मेरे को ध्यान तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को रेसिपी वगैरह सारी पता है भाई। देखो मतलब सारी भी नहीं, मेरे मतलब ठीक ठाक ही पता है मेरे को। तो मैंने वहाँ से अभी स्टोन वगैरह काफ़ी सारी इकट्ठा कर लिया, और अब मैं इससे बनाने वाला हूँ अपने टूल्स स्टोन के। तो बनाते हैं। 2000 years later. तो मैंने स्टोन के सारे टूल्स बना लिए हैं। तो अब मैं इससे वुड इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी काम आएगी अभी बहुत ज़्यादा। तो मैं कर लेता हूँ अच्छी खासी वुड इकट्ठा, क्योंकि मैं अपने बेस बनाऊंगा, तो तगड़ा सा बेस बनाएंगे यार। ज़ोंबी वगैरह भी रात को स्पॉन होते हैं, तो उनसे भी बचना पड़ेगा मेरे को, और तगड़े तगड़े काम करेंगे यार। देखो गेम में मज़ा आएगा, अब देखो गेम में आ गए तो। और माइनक्राफ्ट में इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि थोड़ा मेरे फ़ोन में माइनक्राफ्ट चल नहीं पा रहा, तो उस वजह से मैंने ये डाउनलोड कर लिया। बाकी हाँ, माइनक्राफ्ट की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जब मेरा न्यू मोबाइल आएगा, तो उसमें स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा ये पुराना वाला लोअर डिवाइस है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा माइनक्राफ्ट वगैरह चल नहीं पाता ठीक से, तो इस वजह से मैं इसमें लॉकी क्राफ्ट ही चला रहा हूँ। तो पहले बना लेते टूल्स वगैरह अच्छी तरह, पहले ये वुड सारी इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, अच्छी खासी वुड, इससे वो आ जाएंगे वुडन प्लैंक्स। तो मेरे पास वुडन प्लैंक्स काफ़ी सारे हो चुके हैं, वुडन प्लैंक्स काफ़ी सारे हो चुके हैं, और मैं डर्ट हटा देता हूँ। और ये आप लोग सोच रहे होंगे मेरा सारा सामान कहाँ गया, तो वो मेरी इन्वेंट्री में है, बस थोड़ी मैंने यहाँ से जगह से दिखाने के लिए साफ़ कर दी, ताकि मेरे पास और सारी चीज़ें इकट्ठा हो सके। तो मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर बनेगा अपना तगड़ा सा बेस। और शाम भी होने को आई है भाई, रात होने वाली है, और यहाँ पर एक शीप नहीं है क्या, मेरे को वूल चाहिए उससे, और मेरे को अपना बेड भी बनाना है। तो गाइज़ मेरे को शीप तो मिली नहीं, और रात हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में बेस बना दी, क्योंकि यहाँ पर क्रीपर वगैरह और ज़ोंबी वगैरह भी घूमते हैं, तो उनसे भी बचना था मेरे को। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ भाई, क्योंकि देखो मैंने ये सब तो देखो मैंने साफ ही कर दिया, इधर से मैं कर रहा था, और इतने में देखा वहाँ से ज़ोंबीज़ वगैरह स्पॉन होने लग गए, तो मैंने जल्दी जल्दी में ये बना दिया। तो अभी इसको तोड़ते हैं, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं सारा काम, मेरे को और भी करना है, अपना बेस भी बनाना है। वो ज़ोंबीज़ एकदम से आए और मेरे पीछे लगे, मैंने इतने में एक खोदा जल्दी जल्दी बच बुच के, पता नहीं कैसे कैसे करके, और यहाँ पर अपना एक छोटा सा बेस बना लिया ताकि मैं उनसे बच सकूँ। अब मैं इसे भी पूरा फिल कर देता हूँ, रुक जा एक से। वैसे आप लोग किस टाइप के हो ये बताओ, मैं तो ऊपर से ही करता हूँ डर्ट बचाने के चक्कर में, क्योंकि अभी तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो मैंने वो वैसे मैंने उतना हटाया था, ये क्लीन करा था, तो मेरे पास काफ़ी सारे डर्ट इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन उन डर्ट से भी मैं अपना घर बनाऊँगा। और ये पहले मैं ट्रीज वगैरह थोड़े काट के, वो क्या बोलते हैं, वुड इकट्ठा, शीप मिल गई, मैं बेड बनाऊँगा भाई सबसे पहले। तो एक और शेप, अरे फिर पानी में गिर गया वो, मैं उस टाइम भी एक सेकंड यहाँ, तो वूल पहले से ही पड़ी हुई, एक और मिल जाए ऐसे कहीं से पड़ी हुई, किस्मत तो बड़ी अच्छी, मेरे को लग रहा है अच्छी जगह स्पॉन हो गया मैं, और नहीं क्या। अरे ये ब्लैक वूल, चलो कोई नहीं, वूल का काम भी ख़त्म हो गया, मेरे को वूल ढूंढनी भी नहीं पड़ी। और ये पिग्गी इधर, इसकी पूँछ देखा पीछे से कैसी होती है, गोल से जैसे वो जलेबी,
जलेबी चिपका रखी हो पीछे से, तो मैं जल्दी जाके बैड क्राफ्ट कर लेता हूँ एक अपने लिए। और ये मेरा बैड क्राफ्ट हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ बैड को जल्दी से। कहाँ है बैड? ये मेरा बैड मिल गया और ये मैं यहाँ लगा दूँ ताकि एकदम से अगर रात हो ना तो मैं एक 2000 years later। तो गाइज मैं वो मतलब अपना घर बनाने के लिए ना थोड़ा वो भी माइन करके ले आया, क्या नाम है उसको, स्टोन्स वगैरह माइन करके ले आया बहुत सारे। अब इनसे भी अपना घर वगैरह बनाएंगे, तो पहले मैं इनको उसमें अपनी चेस्ट में भी रखवा दूंगा। इससे पहले मैं फर्नेस बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी खाना भी खाना है ना, और मेरा देख रहे हो वो ग्राफ जो है ना हंगरी वाला वो थोड़ा खाली होता जा रहा है, तो मैं जल्दी से पका लेता हूँ। वैसे एक कोल से पक जाएगा, ज़्यादा कोल डालने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो मैं कोल डाल दे एक। और बारिश भी होनी स्टार्ट कर हो गई, तो बारिश होने मतलब बारिश से पहले पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ अपना काम सारा। ये मेरे पास हाँ इतना, वैसे ज़्यादा बड़ा बेस नहीं बनाऊँगा, टाइम आने पे अपने बेस को बड़ा करेंगे, लेकिन अभी तो छोटा बेस ही सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, इतना सही है। अब साइड साइड में डर्ट लगा देता हूँ एक, और फिर डर्ट के जो साइड साइड में ना वहाँ पर वुड एंड प्लैंक से चार चार की एक वॉल खड़ी वो कर दूंगा सीधे सा, उसे अरे क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ खड़ा कर दूंगा, अब पिलर पिलर। तो गाइज मैंने पिलर तो बना दिया और मैं डिज़ाइन देने के लिए ये भी बना रहा हूँ जल्दी। 2000 years later। तो गाइज मेरा हाउस बन के तैयार हो चुका है और मैंने पूरा वो कर दिया, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या करा। हाँ मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो उस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया कि हाँ मैं यहाँ पर कांच लगाऊंगा। अभी वहाँ डेजर्ट में चलेंगे, वहाँ से वो रेत लेके आएंगे सैंड, और उससे हम बनाएंगे अपने वो कांच के वो नहीं होते ब्लॉक्स, वो बनाएंगे जो भी बोलते हैं उसे, ग्लास बनाएंगे और उन्हें लगाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।